नमस्कार दोस्तों, आपका बायोपीडिया पे स्वागत है। आज हम एक लेजेंड पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है कोबे ब्रायंट। इनका जन्म 23 अगस्त 1978 को पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में हुआ था। ब्रायंट के फादर भी एनबीए प्लेयर थे, उनका नाम जो ब्रायंट था। ब्रायंट लोअर मेरियन हाई स्कूल में पढ़े और उसी स्कूल में उन्हें पूरी कंट्री के टॉप हाई स्कूल बास्केटबॉलर की तरह माना जाने लगा। ब्रायंट जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी उन्हें 1996 एनबीए के लिए सिलेक्ट कर लिया गया हॉर्नेट्स द्वारा, और उसके बाद हॉर्नेट्स ने उन्हें लेकर्स को ट्रेड कर दिया। सब लोग ब्रायंट को हाई फ्लायर और फैन फेवरेट मानने लगे जब उन्होंने 1997 का स्लैम डंक कॉन्टेस्ट जिताया और उन्हें ऑल स्टार का अवार्ड मिला। ब्रायंट बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर थे। ब्रायंट और शकील ओनील ने एक साथ मिलकर लेकर्स को लगातार 3 बार एनबीए चैंपियनशिप जिताई 2000 से 2002 तक। 2003 में ब्रायंट पर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगे, पर बाद में उन चार्जेस को हटा लिया गया। पर तब तक लेकर्स 2004 का एनबीए फाइनल्स हार गई थी और ओनील को भी मियामी हीट में दे दिया गया। उसके बाद सिर्फ ब्रायंट ही इकलौते प्लेयर बच गए थे जो लेकर्स को दोबारा चैम्पियन बना सकते थे। ब्रायंट ने 2005 से 2008 तक लगातार स्कोर किया हर सीज़न में। 2006 में तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए। एक सिंगल गेम में सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करने का रिकॉर्ड विल्ट चेम्बरलेन के पास था, पर उसके बाद वह रिकॉर्ड ब्रायंट ने बनाया। ब्रायंट को 2008 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी मिला, पर ब्रायंट इतनी कोशिश करने के बाद भी लेकर्स को 2005 से 2008 तक एक भी बार चैंपियन नहीं बना पाए। पर 2008 के बाद उन्होंने लेकर्स को लगातार 2 बार चैंपियनशिप जिताई और दोनों बार फाइनल्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी उन्हें ही मिला। 2013 में उन्हें शोल्डर और नी इंजरी हुई, जिसके बाद उन्होंने 2 सीजन खेले और 2015 सीजन में रिटायरमेंट ले ली। जो 34 साल की उम्र में ब्रायंट यंगेस्ट प्लेयर बने 30,000 करियर पॉइंट्स के साथ। लेकर्स के ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर भी ब्रायंट ही बने। ब्रायंट ने डियर बास्केटबॉल नाम की शॉर्ट फिल्म भी बनाई है और उसे एकेडमी अवार्ड भी मिला है। ब्रायंट को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे 5 टाइम्स NBA चैम्पियन, 2 टाइम्स फाइनल्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, NBA मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, 18 टाइम्स NBA ऑल स्टार, और इनके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। ब्रायंट की मृत्यु 26 जनवरी 2020 को कैलिफोर्निया के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई। उस हेलीकॉप्टर में 9 और लोग थे, उनकी 13 साल की बेटी के साथ। ब्रायंट सबकी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। भगवान इन सबकी आत्मा को शांति दे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।